थर्ड पोर्शन टैक्सोनोमिकल एड्स। लास्ट क्लास जो पढ़े थे, कुछ डाउट है क्या किसका? तो टैक्सोनोमिकल एड क्या है पहले समझ लेते हैं। बोथ लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज आर इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस। दिस इज वेल नोन। अभी तक हमें जितना पता चला है कि हमें अगर एक स्पेसिस के बारे में जानना है तो उसको प्रॉपरली हमें आइडेंटिफाई करके उसके उसके बारे में प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा, राइट? फिर ही हम उसका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। सो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? फील्ड स्टडीज भी करना पड़ेगा। फील्ड स्टडी क्यों करना पड़ेगा बच्चों? कहाँ पे रहता है, क्या खाता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है, वो जैसे कि ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है, या फिर आप बोल सकते हो कि एरोबिक है या एनएरोबिक है। ये सारी चीज़ों के लिए हमें फील्ड स्टडी भी करना पड़ेगा और लैब में ला के फिर बाद में भी स्टडी कर सकते हैं कि ये अकेला भी रह पाता है या इसके लिए उसको सोशल है, ये उसके मतलब क्या बोल सकते हो उसके मेंबर्स के साथ रहना पसंद करता है, कैसा है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। द इंफॉर्मेशन दस गैदर्ड अबाउट द स्पीसीज नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फर्दर स्टडीज। सो जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिला, वी हैव टू राइट डाउन और नोट डाउन दोस नोट्स, देन उसको हम फर्दर स्टडी में यूटिलाइज करेंगे। द एक्चुअल स्पेसिमेन आर कलेक्टेड फ्रीजर एंड स्टोर्ड फॉर वेरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड। तो एक्चुअल स्पीसीज जो होता है बच्चों, तो उसको हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, स्टोर करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। These are various techniques, procedure and store information that are useful in identification and classification of organism. So taxonomical aids जो है बच्चों, so different type of जो हम technique use करते हैं या फिर procedure बोल सकते हो आप, किस चीज के लिए species को study करके उसको ला के उसका information store करने तक जो जो हम use करते हैं, this type of technique is known as taxonomical aids. Okay. नेक्स्ट आ गया टैक्सोनॉमिकल एड में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। सो हम डेड ऑर्गेनिज्म भी लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लेते हैं। अगर डेड ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा तो वो किस फॉर्म में लेते हैं? हर्बेरियम। अगर प्लांट स्पीसीज है बच्चों तो हर्बेरियम में ले सकते हैं हम डेड ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि उसको अभी आगे देखेंगे प्रेस करके, उसको ड्राई करके हम शीट्स में रखेंगे ताकि बहुत साल तक वो रह पाएगा। और कुछ केमिकल भी यूज करते हैं ताकि उसमें फंगस ना लग जाए या फिर वो डिग्रेड ना हो जाए। ओके। और म्यूजियम में भी हम रखते हैं किसको? एनिमल्स को रखते हैं लेके, राइट? देन लिविंग में क्या होता है? बहुत सारे म्यूजियम होते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम्स भी है। जैसे कि हम सिर्फ एनिमल का म्यूजियम अभी टैक्सोनॉमिक एड में पढ़ रहे हैं, बट आप अगर म्यूजियम घूमे होंगे तो बहुत सारी चीज़ों का, अगर हम पुरानी चीज़ों को जाके रखते हैं, स्टोर करते हैं, और उसको भी हम एक तरह का म्यूजियम बोल सकते हैं। ओके। देन लिविंग को लेके अगर करते हैं हम तो क्या बोलेंगे? बॉटनिकल गार्डन। प्लांट स्पेसिस के लिए यूजरी हम गार्डन वर्ड यूज करते हैं, और बॉटेनिकल जैसे कि आपको पता होगा पार्क जैसा बहुत बड़ा होगा वो, और जूलॉजिकल पार्क जैसे यहाँ पे भुवनेश्वर में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है, बैंगलोर में भी बनारघट्टा जूलॉजिकल पार्क है, वैसे ही कोलकाता में भी कोलकाता जू है। सो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क भी है जहाँ पे कि एनिमल लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है। बहुत सारे डिफरेंट स्पेसिस डिफरेंट स्पेस से हम लाते हैं और डिफरेंट प्लेस से लाके यहाँ पे रखते हैं उनको। कैसे रखते हैं? प्रॉपरली खाना पीना देते हैं, प्रॉपरली उसका हैबिटेट भी मेंटेन करते हैं और उसका केयर भी लेके रखना पड़ता है। हर्बेरियम अभी क्या देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज। ड्राइड प्रेस पता चल रहा है, ड्राई करेंगे पहले, फिर उसको प्रेस करेंगे और प्रिजर्व करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पेसिस को। माउंटेड ऑन शीट आर केप्ट। ओके। सो शीट में रख के रखेंगे। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बुक जैसा स्ट्रक्चर है। अगर घर में तो होगा ही एल्बम। एल्बम में कैसे रहता है बच्चों? सीट्स रहता है। सो वहाँ पे पॉलीथिन का ऊपर में एक बहुत छोटा सा एक जो कवर रहता है उसके अंदर हम डालते हैं फोटो को, वैसे ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं।
तो उसी को ही हम ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन ए शीट आर केप्ट. द सीट आर अरेंज सिस्टमेटिकली इन अकॉर्डेंस विथ एनी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यूजुअली बेंथम एंड हुकर भी बोल सकते हैं हम, जैसे कि था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके जैसे कि था कैलस लिनाइस का आर्टिफिशियल, उसके हिसाब से भी रख सकते हैं, या फिर हम फाइलोजेनेटिक भी रख सकते हैं. ओके, तो जो भी हमारे एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से अरेंज करके रख सकते हैं. देखो दिस आर द एग्जाम्पल्स, आपको पता चल सकेगा अभी अभी देख के आपको पता चल रहा होगा कि कैसे हम लोग ट्राई करके रखते हैं. यूजुअली आप बुक में भी कभी अगर कुछ पत्ता या फिर कुछ फूल रखती होगे तो क्या हो जाता है बच्चों, प्रेस हो जाता है, राइट? सो प्रेस होता है, ड्राई हो जाता है, और कभी कभी तो फंगस भी लग जाते हैं उसमें अगर प्रॉपरली उससे पानी नहीं सूखा होगा, राइट? सो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसको अच्छे से ड्राई करें. अगर नहीं ड्राई करते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने का, ग्रो करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है. और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, राइट? स्टोरेज ऑफ सीड फॉर्म्स रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज. सो हम क्या कर रहे हैं उसको, डिपोजिट टाइप का कर रहे हैं, राइट? सो रिपोजिटरी मतलब क्या, हम स्टोर करके रखते हैं या फिर डिपोजिट करके रख रहे हैं, वैसे बोल सकते हो आप फर्दर यूज के लिए. It provide a quick referral system and is quite useful for people involved in taxonomic study. जो जो taxonomical study करते हैं तो उनको easy हो जाता है ये specimen देख के, जो वो अपना खुद का जो specimen है compare कर सकते हैं. This is about the introduction of the herbarium. Now we will study about the history of herbarium. कब से शुरू हुआ था? The majority of the world's famous herbaria originated from the botanical gardens. Botanical garden से ही शुरू हुआ है बच्चों. जैसे कि बॉटनिकल गार्डन में हम क्या बोलते हैं, लाइव स्पेसिमेन रखते हैं या फिर लाइव स्पेसिस रखते हैं प्लांट्स का. सो वहाँ से ही हम लेके उसको क्या करते हैं, ड्राई करके, या फिर वो डेड हो जाएगा अगर हम पेड़ से उसको, मेन प्लांट से उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं. सो वो डेड हो जाएगा, उसके बाद हम उसको ड्राई करेंगे और उसको प्रेस करके ऐसे ही डेटा इन्फॉर्मेशन दे के स्टोर करके रखेंगे. द फर्स्ट हर्बेरियम वाज सेट अप एट पीसा इन इटली. सो दिस कैन बी फ्रेम एज ए क्वेश्चन आता है आपका कि फर्स्ट हर्बेरियम कहाँ पे सेटअप हुआ था. सो आंसर विल बी योर पीसा इन इटली. ओके, या फिर खाली इटली दिया होगा या फिर पीसा नाम होगा. देन इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट हम यूज करते हैं यूजली एक टैक्सोनोमिकल एड बनाने के लिए, या फिर टैक्सोनोमिकल एड में क्या क्या इक्विपमेंट आता है. डिगर एंड प्रंकिंग नाइफ, देख पा रहे हो सिक्किल जिसको बोलते हैं, उसके नीचे एक नाइफ भी है, सिक्किल विथ लॉन्ग हैंडल. सो ये सब चीजें क्या है, हम काटने के लिए या फिर साइज करके लेने के लिए सब यूज करते हैं, राइट? देन वास्कुलम, पॉलीथिन बैग जिसमें कि लेके जाएंगे, मैगजीन और न्यूज़पेपर जिसमें हम उसको ड्राई करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर ब्लॉटिंग पेपर में उसको सोक करेंगे. ओके, प्लांट प्रेस, प्रेस प्लांट देखो ये सारे. देन फील्ड नोटबुक, जहाँ पे हम स्टडी करने के लिए जाते हैं खाली ही चले जाएंगे क्या, नोटबुक के बिना वहाँ पे जाएंगे, कुछ डेटा अगर हमें मिलता है तो वो भी तो हमें नोट डाउन करना होता है ना. हर्बेरियम शीट, ग्लू, लेबल्स, लिख के लिखना भी तो होता है ये कौन सा प्लांट है, हमें कहाँ से मिला है, कौन ये लाया है. सो मान लो अभी श्वेता जाके लाएगी तो अपना वो मेंशन करेगी डिटेल, राइट? वैसे ही अगर जाके वर्षा लाएगी तो वो भी अपना करेगी, या ललित लाएगा, मृत्युंजय, पल्लवी, रिचा, संकेतिका, सब अपना अपना स्पेसिमेन लाएंगे. तो अगर मुझे लाके स्पेसिमेन देंगे तो मैं कंफ्यूज होंगी कौन सा कौन लाया है, तो अपना नेम भी नीचे लिखना है और क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ से मिला है, पर्टिकुलर कौन से फील्ड से ये कलेक्ट हुआ है, ये सारा लिखना पड़ेगा. ये सारे डिटेल अगर हम लिखते हैं बच्चों तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. बाद में अगर कोई स्टडी करता है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं. अगर हम कुछ डेटा नहीं दिए हैं तो हमें पता नहीं चलेगा पर्टिकुलरली कहाँ से हमें मिला है ये चीजें. सो डेटा आर वेरी मच पर्टिकुलर एंड इट शुड बी केप्ट इन ए वेरी प्रॉपर मैनर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब एक प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसीजर फॉर हर्बेरियम प्रिपरेशन. हम एक हर्बेरियम अगर प्रिपरेशन करते हैं तो
याद रखो हर्बेरियम किसको लेके बनेगा बच्चों, प्लांट्स को लेके बनेगा या फिर प्लांट स्पेसिमेन को लेके बनेगा, और ये डेड होगा, डेड प्लांट्स को लेके। हाँ, सो फास्ट प्रोसेस है फील्ड विजिट, पहले फील्ड विजिट करेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए, देन आएगा प्रेसिंग एंड ड्राइंग, ड्राई करके प्रेस करेंगे उसको, माउंटिंग, उसको माउंट करेंगे पेपर शीट के अंदर, फिर लेबलिंग करेंगे एंड प्रिजर्व करके रखेंगे उसको। ओके, फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन। देखो लालबाग बॉटनिकल गार्डन, दिस इज प्रेजेंट एट बेंगलुरु, बेंगलुरु, एंड एरिया इज सिलेक्टेड फॉर बॉटनिकल एक्सकर्सन, जहाँ पे कि हम घूम सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पेसिस होना चाहिए वहाँ पे, नहीं तो अगर प्लांट स्पेसिस ही ज़्यादा नहीं होगा तो क्या कलेक्ट करेंगे हम जाके, राइट? सो ये बहुत बड़ा सा पार्क है। ओके, सो इट इज़ प्रिफरेबल टू विजिट द सेम साइट इन डिफरेंट सीजन। सो अगर हम लालबाग बॉटनिकल गार्डन चूज किए हैं, सो हम वहाँ पे समर में विजिट करेंगे, विंटर में विजिट करेंगे, फिर रेनी सीजन में भी विजिट करेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कौन कौन सा नया नया पेड़ पौधे अभी डिफरेंट डिफरेंट सीजन में आए हुए हैं। फॉर हर्बेसियस प्लांट एंटायर प्लांट इज सिलेक्टेड, पूरा प्लांट सिलेक्ट करेंगे हम, एंड फॉर अदर शूट्स हैविंग इम्पोर्टेंट पार्ट्स आर ऑल्सो सिलेक्टेड एंड कट विद ए प्रूनिंग नाइफ, हमें कट करके भी लाना पड़ेगा। ओके, स्पेसिमेन आर प्रेस्ड, देखो पेपर लेके हम प्रेस करके रखते हैं, जैसे मैं बोली आपको पहले ही, आप अगर कॉपी में कुछ पेड़ पौधे के पार्ट्स रख देते हो, फूल रख लिए आप, या फिर पेटल्स रख लिए, पेटल मतलब उसकी जो साइड में बोलते हैं क्या, पाखुड़ा उड़िया रे को हाजी बहा, सो पेटल्स रखते हैं, या फिर आप पूरा फूल रख लिए, या फिर पूरा पत्ता का एक आप ऐसे ही स्ट्रेच लेके रखती है, तो वो सारा रख सकते हो, स्प्रेड ओवर द मैगजीन और न्यूज़पेपर शीट, देन दिस न्यूज़पेपर आर नाउ पुट इनसाइड द प्रेस, उसको प्रेस में डालेंगे। ओके, तो ताकि ये पूरा दब जाएगा, यहाँ पे साइड में देख सकते हो, देखो यहाँ पे अपना डिटेल भी लिखा हुआ है, जो कलेक्ट करेगा वो डिटेल लिखेगा अपना। देन माउंटिंग मतलब क्या है बच्चों, हर्बेरियम शीट आर सिलेक्टेड, द ड्राइड सैंपल आर प्लेस्ड ओवर द शीट बाय ग्लू, अट्ठा देखे नहीं ताको चिपके दबा, सो गम या फिर ग्लू डाल के उसको चिपकाना पड़ेगा हमें, देन कवर्ड विथ पॉलिथीन टू प्रिवेंट डैमेज और डैमेज ऑफ डेलिकेट पार्ट्स। ओके, फिर उसको क्या करेंगे, चिपकाने के बाद उसके ऊपर कवर दे देंगे हम। फिर फैमिली जीनस स्पेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया डेटा एंड कलेक्टर नेम इज नोटेड, देखो सारा डिटेल हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, हाइट क्या था, विड्थ क्या था, कलर क्या था, डेट कौन से डेट में हम कलेक्शन किए थे, ये कहाँ से लिए थे, और हम कौन हैं, कौन ये डेटा कलेक्ट करके लाया था, उसको हम कलेक्टर बोलेंगे। ओके, कलेक्टर नेम। फिर ऐसे ऐसे बुक बनाएगा पूरा बड़ा बड़ा, जिसके अंदर की एल्बम जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पेसिस रहेगा, स्पेसिमेन रहेगा, प्रिजर्वेशन अभी करके रखेंगे लास्ट पॉइंट। सो स्पेसिमेंस आर treated with 0.1% mercury chloride to prevent fungal attack. मैं बोली थी आपको कि chemical treatment भी दिया जाता है, so this also can be framed as a question that is used to prevent fungal attack in case of specimen preservation. So आपका answer होगा mercury chloride. Okay. Then DDT, naphthalene and carbon disulfide are also used as pesticide. So यही सारे भी हम use करते हैं बच्चों, pesticide जैसा, ताकि पेस्ट ना लग जाए या फिर कीड़े मकोड़े ना लग जाए, उसको कीड़े लग के खा भी सकते हैं, तो कीड़े या फिर इंसेक्ट अवॉइड करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। देन आई यूज अ हर्बेरियम, क्या चीज के लिए हम इतना जो जाके इतना लेबर हमने किया, इतने परिश्रम जो करीबा, वाई फो क्यों, राइट? सो यूजेस ऑफ हर्बेरियम, क्या क्या चीज में हमें हर्बेरियम हेल्प कर सकता है। इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोरा, जो पेड़ या फिर जो प्लांट प्लांट को हम स्टडी किए हैं, जो प्लांट स्पीसीज हम लाए हैं, उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें, ऑथेंटिकेट आइडेंटिफिकेशन, तो कौन सा प्रॉपर ये स्पीसीज था, वो ऑथेंसिटी है उसका। ओके, सो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्विक रेफरल, अगर बाद में मेरे किसी स्टूडेंट को या फिर मेरे किसी कलीग को उसी पर्टिकुलर एक प्लांट के बारे में जानना है, सो वो अपने जो अपना कलेक्शन किया होगा जो भी डेटा, उसके साथ इसको रेफर कर सकता है। ओके, रिपोजिटोरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, फ्यूचर बहुत दिनों के बाद भी यूज करने के लिए हमें यूज ये क्या हेल्प करेगा। ओके,
मान लो वो स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज क्या हो रहा है कि धीरे 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 एंडेंजर हो रहा है, स्पीसीज के लिए हम एंडेंजर वर्ड यूज करते हैं, ये प्लांट्स के लिए यूजली बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे ये प्लांट स्पीसीज कम होते जा रहे हैं, तो हम उस केस में रिपोजिटोरी यूज कर सकते हैं। नोइंग इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जगह का इकोलॉजी या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन हमें पता चल सकता है। ओके देन कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्बेरिया जो जिस प्लांट स्पीसीज को लेके बना हुआ है उसके बारे में अभी देखते हैं। अभी तक जहां तक हमने पढ़ा यहाँ तक कुछ डाउट है क्या किसी का तो बोलो। Anyone having any doubt? No, ma'am. Shweta, Tejashini, Susvi, Sandhya, no, ma'am. Okay. Subram Jyoti? No, ma'am. No, ma'am. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं कि कुछ ज्यादा डाउट निकलेगा, आई डोंट थिंक इतना, ये पूरा बहुत ही सबसे इजी चैप्टर बोल सकते हो आप लोग, जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक या फिर आगे आगे पढ़ने वाले हैं ये पूरा इजी है। एक दो बार पढ़ने से आपको याद आ जाएगा क्या है, बस स्टेप कुछ याद रखने हैं और कुछ हर्बेरिया एंड जूलॉजिकल पार्क का नाम याद रखना है, दैट्स इट। देखो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यूवी लंदन में, और एक है जैसे कि क्यू बॉटनिकल गार्डन लार्जेस्ट हर्बेरियम है ये। ओके 6.5 मिलियन स्पीसीज वहां पे हैं प्लांट के। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस में जो प्रेजेंट है ओवर 6 मिलियन। सो देखो ऊपर से नीचे तक देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है पता चल जाएगा। इंडिया में हम इंडिया का 3 लिखे हैं यहाँ पे, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि सिपुर कोलकाता में है वहाँ पे 2 मिलियन स्पीसीज का एक बहुत अच्छा सा कलेक्शन रखा गया है, और मद्रास हर्बेरियम में कोयम्बतूर में जो है बच्चों वहाँ पे अराउंड 1.5 लाख स्पीसीज बोल सकते हो वहाँ पे रखा गया है। एंड हर्बेरियम जो लखनऊ में है बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे 80,000 स्पीसीज रखे गए हैं। अभी वैसे भुवनेश्वर में भी बॉटनिकल रिसर्च सेंटर है बट वहाँ पे बहुत बड़ा सा कलेक्शन नहीं बोल सकता, बहुत छोटा मोटा कलेक्शन बहुत जगह में होता है जो कि बॉटनिकल गार्डन में रहता है। ओके देन बॉटनिकल गार्डन अ लार्ज साइज ट्रैक वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइज एंड एरिया आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस। हम पढ़ाई करने के लिए भी जा सकते हैं डिफरेंट को वहाँ पे एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। ओके इट इज कंसिडर नेचुरल एंड इकोनॉमिक रेफरेंस सिस्टम। द फर्स्ट रियल बॉटनिकल गार्डन वॉज डेवलप बाय थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस वॉज द हमें पता है फादर ऑफ बॉटनी है राइट। सो थियोफ्रास्टस के द्वारा ही बना गया था एक बहुत ही सुंदर बहुत ही बड़ा सा बॉटनिकल गार्डन। Though he was considered as the father of botany, that's why it is very clear that he was very neat to study about plant and plant species and all. So, अगर plant species के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो उनको garden तो चाहिए ही होगा. So, उन्होंने botanical garden एक बनाया था. A botanical garden exclusively growing trees and shrubs is called arboretum. So, अगर आपको arboretum क्या है आता है क्वेश्चन, सो बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे बच्चों ट्री एंड श्रब ग्रो किया जाएगा उसको हम arboretum या फिर arboretum बोला जाता है, हम उसको arboretum बोलेंगे, arboretum भी बोल सकते हो। ओके द मोस्ट फेमस एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यूई लंदन इंग्लैंड में है। ओके देन इट इज एक्सटेंडेड इन 200 acres ऑफ लैंड, इतना बड़ा जगह में वो है। अराउंड 6.5 मिलियन स्पेसिस भी तो है, इतने स्पेसिस रहने के लिए बहुत बड़ा सा एरिया भी तो चाहिए, तो इसलिए 200 acres लैंड को लेके बनाया गया है। हम पूरा लैंड नहीं घूम सकते हैं एक दो दिन में, बहुत बड़ा जगह है वो राइट। इट वॉज फाउंडेड इन 1759, सोच लो 250 साल हो गया है हाँ, विलियम एटन के द्वारा बनाया गया था। सो फाउंडेड बाई 1759
अभी 250 साल से कितने सारे नए नए स्पेसिस वहाँ पे ऐड हुए होंगे, कुछ स्पेसिस तो वहाँ से मतलब मर भी गए होंगे, राइट, नए नए स्पेसिस ऐड भी हो रहे होंगे अभी। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज जो हमारा सिद्धपुर में है, कोलकाता में। सो आपको पूरा बड़ा सा, ये पूरा वर्ल्ड का बड़ा कौन सा है वो याद रखना है, और इंडिया का कौन सा बड़ा है ये भी याद रखना है आपको, ओके। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1787, ये भी अराउंड उसी के आसपास ही हुआ था, इसलिए बहुत पुराना है ये भी। और यहाँ पे भी ह्यूज कलेक्शन है, अराउंड 2 लाख स्पीसीज हैं यहाँ पे। बिसाइड एक अदर मेन बॉटनिकल गार्डन आर लखनऊ में एक है, बच्चों दार्जिलिंग में है और देहरादून में भी है। मॉडर्न डे बॉटनिकल गार्डन कंटेन, आजकल का बॉटनिकल गार्डन में हमें क्या क्या मिलता है? आउटडोर प्लांट्स होते हैं, ग्रीन हाउसेस होते हैं। ग्रीन हाउसेस आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, मैं फिर भी बता देती हूँ एक बार, याद रखो। यूरोपियन कंट्रीज बच्चों बहुत ठंडा रहता है वहाँ पे, राइट। सो यूजुअली क्या होता था पहले यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे प्लांट को ग्रो करवाने के लिए उनको आर्टिफिशियल एक घर जैसा बनाना पड़ता था पहले, जिसको कि ग्रीन हाउस बोलते थे। सो ग्रीन हाउस में क्या होता था, ओके लेट मी शो यू दिस टाइप, इस तरह का जो बनाते थे इसको हम क्या बोलते थे, ग्रीन हाउस बोला जाता था, ओके। सो ये जो ग्रीन हाउस बनाते थे बच्चों, इसमें क्या खासियत रहता था, जो रेडिएशन आएगा सन से वो एब्जॉर्ब तो हो जाएगा, बट वो री रेडिएट मतलब निकल के फिर नहीं जा सकता था। सो अगर रेडिएशन बहुत सारे अंदर एब्जॉर्ब होके रह जाएगा या फिर हीट एब्जॉर्ब होके रहेगा, सो कुछ समय के बाद उस अंदर का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सो उनको वही तो चाहिए था, प्लांट ग्रो करने के लिए थोड़ा अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए था, जो कि बाहर का टेम्परेचर नहीं दे पा रहा था, प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था। तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगे। सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज नोन एज ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस, ओके। सो आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब जैसे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे दिन ब दिन, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम रोड बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। सो जो टेम्परेचर आ रहा है वो फिर से बैक करके नहीं जा पा रहा है। आजकल हम वर्ल्ड को क्या कंसिडर कर रहे हैं, ग्रीन हाउस के तरह। एंड दो द वर्ल्ड टेम्परेचर इज और अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द सेम इफेक्ट, दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। बट ग्रीन हाउस अच्छा कॉन्सेप्ट था, बट आजकल पृथ्वी का जो तापमात्रा या फिर बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एक क्या हो रहा है, हमारे लिए ही खराब है, राइट। तो ग्रीन हाउसेस, ये समझ में आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और हम क्यों अर्थ को कंपेयर कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में? मृत्युंजय, ललित, सुभ्रज्योति, श्वेता, ओके, अच्छा। मृत्युंजय लास्ट क्लास कहें कि एब्सेंट थे, लो लास्ट दो तीन क्लास एब्सेंट थे, लो आज कौन नए नए हो आप में से? मैम 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 टी कॉस्ट हाँ ओके। रिचा, रिचा तुम्हारा तो आगे फर्स्ट क्या क्लास, मैम? आज फर्स्ट क्लास है क्या? यस मैम, ओके, तो समझ में आ रहा है जो भी बोला जा रहा है, जो भी मैं पढ़ाई हूँ अभी तक? यस मैम आ रहा है। अच्छा, और कौन नए हो आज के क्लास के लिए बच्चों? ना कौन? सुश्री संगीता साहू। अच्छा, बुझा पढ़ुची जहाँ भी पढ़ लेने। अगेन अगेन तुम बैच रे पिले किछटा तुम्हारा फ्रेंड अछंती जो माने उड़िया बुझी परिबे नि, सित में हिंदी रे पढ़ो छु हमें, यदि किछ डाउट हो छ तुम्हें पचारीबो संगे संगे, किछ भी असुविधा नहीं, ओके। अगेन रिचा मैम सुश्री, हिंदी, मैम हिंदी बुझी हो छ इच्छा से। यस मैम बुझी हो छ। हाँ, कहीं ना समस्त हिंदी रे पढ़ु छ, मूवीज देखु छ, तो दिस इज कौन कही पारिबो, पूरा आराम से बुझी पारिबो किछ सेत्र ये ने।
तथापि जो पर्टिकुलर जदि किछ गोटे टर्म तुम्हें मैंने बॉटनिकल टर्म बुझी पारिबनि या फिर बायोलॉजिकल टर्म रे प्रॉब्लम हबो देन आस्क मी इमीडिएटली ओके समस्त साइट रे पिले पेपर आ पेन धरि की बस्त रफ कॉपी मु कहिथिली जेंती आ सब साइट रे जो जो एक्स्ट्रा जिंस पाउछ बे नोट डाउन भी करथो सब बळे ताकि तुम्हें क्विक रिविजन बळे इजी हबो अच्छा समस्ते ट्राई करी की पठी छो क्वेश्चन आंसर सबने किया है और भेजा है क्वेश्चन आंसर आई एम वेरी हैप्पी विथ यू गाइस और अभी मैं आंसर शीट भी भेज चुकी हूँ ऑलरेडी आप चेक करो और भेजो फिर हम लोग देखेंगे कौन टॉपर है ओके ऐसे ही वीकली आपको 3 बार या 4 बार मैं भेजूंगी क्वेश्चन ताकि आपका साइमल्टेनियसली रिविजन भी होता जाए आप लोग कॉम्पिटेटिव के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा हम जितना ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है वैसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी रट्टा मारना है कि थ्योरी समझ के बैठ जाना है थ्योरी समझने से बस काम खत्म नहीं होगा थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैसे थ्योरी नहीं समझोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे राइट बट उसके साथ साथ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका क्लैरिटी ज्यादा रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है यूजुअली थ्योरी तो वैसे पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन इसको लेके कैसे आ रहा है राइट तो अभी लिविंग वर्ल्ड का मैं क्वेश्चन दे रही हूँ अभी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ते जाएंगे हम उसका भी क्वेश्चन डिस्कशन करते जाएंगे बच्चों एनीवे सो आई थिंक टिल नाउ ऑल ऑफ यू आर क्लियर अभी आगे चलते हैं फिर सो फिर से देख लेते हैं मॉडर्न डे बॉटनिकल गार्डन में क्या क्या रहता है आउटडोर प्लांट्स रहते हैं बच्चों ग्रीन हाउसेस रहता है देन लाइब्रेरी रहता है रिसर्च लैबोरेटरी रहता है हर्बेरियम रहता है एंड म्यूजियम रहता है ओके There is an International Association of Botanical Garden established in 1962, which coordinates research and exchange of plant material. मतलब क्या है? देखो रिसर्च तो हो रहा है पता चल गया हमें कि रिसर्च चीज के लिए ही हमने बॉटनिकल गार्डन लिविंग स्पेसिस के लिए एंड हर्बेरियम डेड स्पेसिस के लिए खोल रखा है अभी नेक्स्ट है क्या एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल मतलब मान लो अभी और एक जगह में कहीं पे हमें कुछ चाहिए होगा प्लांट तो वहां पे हम दे सकते हैं वहां से कुछ नए प्लांट्स ला सकते हैं राइट हमें अगर पता नहीं अंटार्कटिक में कैसे प्लांट्स है तो वहां से कुछ स्पेसिमेन ला के यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं वार्म कंट्रीज में कैसे अगर प्लांट ग्रो करते हैं उनको स्टडी करना है तो यहाँ से लेके जा सकते हैं राइट तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होता रहता है प्लांट का रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन क्या है बच्चों देखो अभी प्रोवाइड प्लांट मटेरियल फॉर कंपैरेटिव टैक्सोनॉमिक स्टडी हम टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए और डिटेल स्टडी के लिए प्लांट स्पेसिस हमें कहाँ से मिलेगा बॉटनिकल गार्डन से फंक्शन आज एक्लिमेटाइजेशन सेंटर फॉर एक्जोटिक प्लांट ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंट मतलब इकोनॉमिक इंपोर्टेंट तो पता है आपको जो सारे प्लांट से हमें बहुत सारा क्या बोल सकते हो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं या फिर उसमें से हम मेडिसिन बना सकते हैं उसमें से हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं सो इकोनॉमी जिससे हमारा बढ़ता है राइट सो उस जैसे प्लांट को लेके हम क्या कर सकते हैं या फिर नए जगह में कैसे एक प्लांट अडॉप्ट करता है खुद को शॉर्ट टर्म के लिए उस शॉर्ट टर्म के लिए खुद को अडॉप्ट करवाना ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एक्लिमेटाइजेशन ओके सो हम अगर दूसरे कहीं से प्लांट लाते हैं और यहाँ पे उसको रखते हैं और अगर वो प्रॉपरली ग्रो करता रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे हाँ प्रॉपरली अडॉप्टेड हो गया या फिर वो एक्लिमेटाइजेशन कर सकता है सो वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर है जहाँ पे कि बहुत दूसरे दूसरे कंट्री से हम प्लांट ला के रखते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंट जिसका है जो प्लांट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बॉटनिकल रिसर्च देन एक्सिटू कंजर्वेशन मतलब इनसिटू मतलब बच्चों नेचुरली कंजर्व होगा जैसे कि अभी फॉरेस्ट है वहां पे हम पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं जाके वो खुद ब खुद हो जाता है बट एक्सिटू कंजर्वेशन मतलब मैं बोलूंगी बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम ये सारे एक्सिटू है या फिर हम घर में जो छोटे छोटे गार्डन बनाते हैं सक्रेट प्लांट को लेके या फिर सक्रेट गार्डन बनाते हैं सो यही सारे क्या एक्सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है जैसे कि एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर प्लांट स्पीसीज मैं बोली थी एनिमल स्पीसीज के लिए भी एंडेंजर यूज करते हैं हम वर्ड सो जो सारे क्या बोल सकते हो जिसके बहुत सारे कम स्पीसीज हो गए हैं और नियर फ्यूचर में वो पूरे वैनिश होने वाले हैं उसको हम एंडेंजर बोलेंगे इम्प्रूव द एनवायरमेंट प्रोवाइड ग्रीनरी इन बिग सिटीज
देन प्यूरिटी था यार, ग्रीन सिटी में क्या होगा, ग्रीनरी होगा। अभी देखो भुवनेश्वर में अगर बहुत सारा प्लांट है हर जगह में तो सुंदर दिखेगा सिटी, वैसे ही हर जगह में आप जहाँ पे भी रहोगे अगर आसपास पेड़ पौधे हैं तो हमें अच्छा लगता है, राइट। और एयर भी प्योर होता है क्योंकि ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, ओके। देन सर्वास हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स, एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट रहेंगे तो बच्चों वहाँ पे बर्ड्स भी रहेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट भी रहेंगे, और अगर फॉरेस्ट है तो क्या होगा वहाँ पे बहुत एनिमल्स भी रह सकेंगे, ओके। देन आया म्यूजियम। टिल नाउ क्लियर या कुछ डाउट है? सुब्रम ज्योति बुझा पड़ी बाबा? यस मैम। गुड। श्वेता अंडरस्टूड? यस मैम। देखो म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल आर एग्जिबिटेड टू पब्लिक, मतलब लोग घूम फिर के देख सकेंगे। कभी म्यूजियम गए हो बच्चों कहीं पे? भुवनेश्वर में, कल्पना में, बड़ा। अगर कोई नहीं गया है तो फ्री टाइम में कभी अगर भुवनेश्वर में, हाँ बोलो, जा सकते हो, यहाँ पे भी है म्यूजियम। और एक है मैम प्लानिटोरियम के पास, हाँ वहाँ पे भी एक म्यूजियम है, बहुत सारा है। सीआरपी के पास भी एक म्यूजियम है, वो ट्राइबल म्यूजियम बोल सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम है। हाँ देखो, तो देखो कैसे घूम के देख रहे हैं, यहाँ पे प्लांट स्पीसीज रखा गया है, थैलोफाइटा रखा जाएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज आपको मिलेगा। हाँ, सो म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर artistic and educational material are exhibited to the public. Museum are generally set up in educational institution or institute. Museum have collection of preserved plants and animal for study and reference. हम पढ़ने के लिए और refer करने के लिए भी use कर सकते हैं। Only those plants are preserved in museum which cannot be kept in herbarium. जो herbarium में बच्चों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हर्बेरियम हम क्या बोल रहे हैं, डेड स्पेसेस रखते हैं, राइट। जो हर्बेरियम में नहीं रख सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, म्यूजियम में जाके रखेंगे। एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फॉन्स, प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, फ्रूट्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन एक्सेट्रा आर केप्ट इन द म्यूजियम। देन आर फंक्शन, acquisition of material, हमें material मिल जाता है, then recording of material, हम material को record कर सकते हैं, preservation of material, then research के लिए use करेंगे, exhibition purpose में भी use हो सकता है, then education purpose में भी, okay। Natural History Museum जो London में है, then बहुत सारे भी museums का नाम है, United States National Museum जो येलो में लिखा हुआ है वो important है, याद रखना है आपको। देन फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री चिकागो में है, देन जूलॉजी म्यूजियम आम्स्टरडम नेदरलैंड में है, रॉक क्रिक नेचुरल सेंटर वॉशिंगटन, देन नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मैक्सिको सिटी में है। दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट म्यूजियम। देन आया बच्चों एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंडमान निकोबर आइलैंड में है, देन फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबर, देखो दो दो है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, महाराजा स्वामी मान सिंह म्यूजियम जयपुर, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। एनिमल्स आर प्रिजर्व, हम प्लांट स्पीसीज के बारे में तो देख लिए, अभी एनिमल स्पीसीज भी म्यूजियम में रहते हैं।
एनिमल्स आर प्रिजर्व इन केमिकल सॉल्यूशन मोस्टली फॉर्मलिन. आप लोग प्लस टू में जब जूलॉजी एंड बॉटनी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे वहाँ पे जूलॉजी लैब में आपने देखा होगा क्या क्या रखा गया होगा. आपका स्केलेटन रखा जाता है यूजुअली, फिर बहुत सारे स्पेसिस जैसे कि स्नेक के रखे जाते हैं फॉर्मलिन में, अर्थवर्म रखा जाता है, फ्रॉग रखा जाता है, बहुत और भी बहुत सारे स्पेसिस रखे जाते हैं यूजुअली, मॉलिस्क रखा जाता है, स्टारफिश वगैरह. सो अगर देखा होगा तो आइडिया मिल रहा होगा राइट. फॉर्मलिन में बॉटल के अंदर रखा जाता है जार में, एज वेल एज इन स्टफ्ड एंड स्केलेटन फॉर्म. सॉरी, द कलेक्टेड स्पेसिमेन आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेबल्ड. तो जो हमने कलेक्शन किया है बच्चों उसको प्रॉपरली लेबलिंग भी करना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा राइट. हम अगर गलत से लेबल कर देते हैं दूसरा बंदा आएगा तो वो भी गलत ही पढ़ के जाएगा वहां से. दे आर स्टोर एंड ए कैटलॉग इज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिपेयरिंग ए म्यूजियम इज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी. Collection of preserved plants and animals for study and references. Specimens are preserved in container and jars in preservative solution. Insects are preserved in insect boxes or collecting, killing and pinning. Okay. Then birds and mammals are usually stuffed in preserve also. Museum also have collection of skeletons of animals. डिफरेंट एनिमल जैसे आप बोल सकते हो टाइगर हो गया, लायन, एलिफेंट, देन क्रोकोडाइल, देन भी और भी बहुत सारे स्केलेटन भी रखा जाते हैं वहां पे. म्यूजियम का रोल क्या है द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन हेल्प इन गैदरिंग द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिटेट. कहाँ पे रहता है ये पर्टिकुलर स्पेसिस, कौन सा सॉयल में रहता है और किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है ये. They are used to deposit type specimen whenever new taxa are described. अगर हम new taxa कुछ describe कर रहे हैं तो हम compare करेंगे कि पुराना जो है उसके साथ इसका क्या क्या similarities है. Then आया zoological park, an enclosed place. अभी plant and botanical gardens के बारे में आपको समझ में आ गया, herbarium के बारे में and related museums के बारे में right. So अभी हमने क्या क्या देखा बच्चों, herbarium देखा, botanical garden देखा और क्या देखा, museums भी देखा, अभी zoological park देखेंगे. मैं mind map आपको भेजी थी, आपने देखा सर group में. लिविंग वर्ल्ड का माइंड मैप देख के भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या हमारा टैक्सोनॉमिक एड में आता है. बोलो अगर यहाँ तक क्लियर हो तो फिर नेक्स्ट चलेंगे. जूलॉजिकल पार्क के बाद कीज पढ़ेंगे फिर मैनुअल से, दैट इज अंडर टैक्सोनॉमिक एड्स. टोटल 6 है. हर बार हम पढ़ा हमने बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम पढ़ा, 3 पढ़ा अभी तक, अभी जूलॉजिकल पार्क, कीज एंड मैनुअल्स. दीज आर द टैक्सोनॉमिक एड्स. टोटल 6 टैक्सोनॉमिक एड हमारा है. ओके देखो देन एन एनक्लोज स्पेस, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूंगी नंदन कानन का. नंदन कानन एक बहुत बड़ा सा एरिया है और एनक्लोज्ड है. ओके चारों तरफ से बंद है, मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं ये एनिमल्स. वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन इज कॉल्ड अ जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क प्रोवाइड मोर नेचुरल एनवायरमेंट. द साइंटिफिक पर्पज ऑफ द जू इज टू ब्रीड द एनिमल व्हिच अदरवाइज आर फेसिंग अ थ्रेट इन देयर नेचुरल हैबिटेट. मतलब जंगल में रहते भी अगर इनको थ्रेट है, मतलब और जिनका ज्यादा रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहे या फिर क्या बोल सकते हो फैमिली नहीं बढ़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, इनको हम कंट्रोल कंडीशन में लाएंगे, एक्सित्व में लाएंगे, जूलॉजिकल पार्क के अंदर रखेंगे और प्रॉपरली क्या करवाने का कोशिश करेंगे, ब्रीड करके इनका नंबर बढ़ाने का कोशिश करेंगे. ओके ड्यू टू डेवलपमेंट
एक्टिविटीज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. जैसे कि आप बोल सकते हो हम फॉरेस्ट कट कर देते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन. सो अगर फॉरेस्ट खत्म होते जाएगा तो यहाँ इनका हैबिटेट भी खत्म हो रहा है और फिर शिकार भी तो करते हैं हम डिफरेंट पार्ट के लिए. देन इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमन नेम एंड आर साइंटिफिक नेम इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन द जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क अगर आप लोग कभी भी जू विजिट किए हो गए तो वहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलर स्पीसीज जब हम विजिट करते हैं वहाँ पे एक बोर्ड में डिटेल लिखा रहता है सारा डिटेल राइट डिटेल लिखा रहता है वहाँ पे. सो प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर. खाना पीना देते हैं उनको मेडिकल चेकअप करवाते हैं उनका हैबिटेट का केयर करवाते हैं ब्रीडिंग का देखते हैं. देन रोल क्या क्या है फूड हैबिट बिहेवियर ऑफ एनिमल स्टडी स्टडी ऑफ लाइव एनिमल टाइप एंड देयर बिहेवियर सोर्सेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. देन एक्सेस टू कंजर्वेशन थ्रू captive breeding of endangered animal. Okay, हम breed भी करवाते हैं endangered animals का. तक क्लियर है बच्चों? यस मैम. ओके दिस आर ऑल अबाउट जूलॉजिकल पार्क. अभी देखेंगे कीज क्या है. की मतलब क्या चाबी राइट. मतलब चाबी राइट. अ स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन मतलब एक तरीका हम जिसको लेके कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. द टर्म की रेफर टू अ सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स अरेंज इन सच मैनर दैट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय सिलेक्टिंग और एलिमिनेटिंग द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इन द ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म में है या नहीं है वो देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं. सो इट इज अ डिवाइस बोल सकते हो यूज टू आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज इन अ ग्रुप और ऑर्गेनिज्म. जैसे कि मैं बोलूंगी एक कुछ भी एग्जांपल ले लो कि कैनाइन टीथ. कैनाइन टीथ हम बोलेंगे काउ एंड टाइगर का देखेंगे कैनाइन है कि नहीं. आइदर यस आएगा आंसर या फिर नो आएगा. अगर यस है तो बड़ा है या छोटा है. अगर बहुत बड़ा है तो वो क्या करेगा कैनाइन टीथ के कारण मतलब वो टियरिंग जैसा हैबिट रखेगा. सो वो मांस या फिर फ्लेश के ऊपर डिपेंडेंट जरूर होगा. अगर फ्लेश के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर हम क्या बोलेंगे कार्निवोरस बोलेंगे. अगर कैनाइन इतना इम्प्रूव डेवलप नहीं है तो फ्लेश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा वो हर्ब के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा हर्बीवोरस. सो ये एक क्या था एक छोटा सा आप लोग का डिवाइस या फिर बोल सकते एक तरीका था हम जिसके चलते डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर सकते हैं राइट. तो की समझ में आ रहा है. दस टैक्सोनॉमी की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट. पेयर में रहते हैं बच्चों हाँ या ना होगा बड़ा या छोटा होगा. इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट options जैसे भी बोली हाँ या ना. This result in acceptance of only one and rejection of the other. उसके हिसाब से हम उसको अगर देखेंगे दो organism ले लो human ले लो और एक plant ले लो. अभी देखेंगे कि ये human photosynthesis करता है क्या नहीं. plant photosynthesis करता है हाँ तो उसको plant के category में रखेंगे. human को अभी animal category में रखेंगे. इसको क्या बोला जाएगा couplet and ये example है आपका. This result in acceptance. एक को accept करेंगे दूसरा reject हो जाएगा उसके हिसाब से दूसरे category में जाएगा. Each statement in the key is called a lead. एक lead हमें मिला है जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं. This is carried out for an organism by
determining its similarity with an already known organism. Already जिसके बारे में हमें पता है बच्चों, उससे जो लीड मिला है उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं. Suppose there are three plants say A, B, C, all represent different species. Another plant say D resemble B. The recognition of the plant D as identical to the already known plant B is its identification. Okay, so D जैसे कि resemble कर रहा है, हम बोलेंगे B का कुछ characteristics. इसको क्या बोलेंगे बच्चों? की बोलेंगे. सो हमें बी का कैरेक्टर पता था, इसलिए तो हम डी के साथ कंपेयर कर पाए उसको, राइट? इसके अलावा और कुछ टैक्सोनॉमिक एड में क्या क्या जाता है देखो, जैसे मैं बोली थी मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा, कैटलॉग एंड पब्लिकेशन. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमी एड. सो सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर फॉर ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी लाइक फैमिली, जीनस एंड स्पेसिस. हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के लिए डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एड यूज करेंगे बच्चों, की यूज करेंगे. फैमिली के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ की यूज करेंगे. दीज आर मोर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म. Being analytical in nature, these are generally of two types. क्या क्या है बच्चों? Yoked or indented and bracketed. आपका जो होगा क्या? Analytical nature of two types जो बोल रहे हैं, yoked or indented and bracketed होगा. दो type का, indented बोल सकते हो या फिर bracketed की बोल सकते हो, हाँ? देन अभी देखेंगे मोनोग्राफ क्या है. सो की कितने टाइप का है क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलोगे इंडेंटेड या फिर ब्रैकेटेड या फिर यॉक्ड एंड ब्रैकेटेड. दो टाइप के की हैं, बस इतना याद रखो. मोनोग्राफ्स गिव कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन फैमिली और जीनस एट ए गिवन टाइम. एक टाइम में हमें कंप्लीट कंपाइलेशन देगा, मतलब उसका डिटेलिंग देगा हमें. जैसे कि हम पाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, पाइन, साइकस, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म से. सो अभी जीनस क्या है उसका, तो हम मोनोग्राफ से ये पता चल सकता है. मैनुअल्स क्या है? कंटेन कंपाइल इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया कवर. सो अगर मोनोग्राफ के बारे में पूछा जाता है तो मोनोग्राफ क्या बताएगा? फैमिली एंड जीनस के बारे में बताएगा, पर्टिकुलर स्पेसिस का. और अगर मैनुअल्स के बारे में पता, मैनुअल्स हमें देखते हैं, मैनुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा? पर्टिकुलर स्पेसिस कहाँ पे रहता है, कौन से एरिया में रहता है, ये सारा पता चलेगा. और पब्लिकेशन अगर हम पढ़ते हैं तो पब्लिकेशन लाइक पीरियोडिकल्स एंड dictionaries are brought out to provide information about new additions and update information. So publication में हमें जो नए नए scientists research करके उसके बारे में कुछ publish किए हैं, तो उससे हमें पता चलेगा नया क्या क्या information add हुआ है particular species के बारे में. Flora contain actual account of habitat and distribution of plants of a given area. So flora मतलब plant species को हम लोग समझते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया का प्लांट स्पीसीज को फ्लोरा बोलेंगे. दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट स्पीसीज हैं उसके बारे में ये पता चलाएगा हमें, या फिर ये इंफॉर्मेशन देगा. देन देयर आर सेवरल फ्लोरा इन इंडिया सच एज फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ सिमलेनिस, देन फ्लोरा ऑफ बॉम्बे. कैटलॉग फाइनली आता है कंटेन अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिस फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया. हम एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चों जो पर्टिकुलर एरिया का जो स्पेसिस है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर सजा के रखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैटलॉग. सो हर बार यहाँ बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, देन की, मैनुअल, सारा पता चला. उसके बारे में हमने कैटलॉग,
और फ्लोरा मोनोग्राफ मैनुअल एंड पब्लिकेशन के बारे में भी पढ़ा। एक्स्ट्रा कुछ ये एक्स्ट्रा है आप लोग का? नोट इज ऑल्सो शेयर्ड विथ यू, यू कैन चेक। सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है बच्चों? यस मैम। अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। Animals that rely on the heat from the environment rather than metabolism to raise their body temperature in the strict sense called as बच्चों मतलब बाहर से लेंगे एक्टोथर्मिक पोइक्लोथर्मिक होमियोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या बोलेंगे बाहर से जो लेंगे हीट मेटाबोलिज्म से ना निकालते हुए अगर बाहर से लेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा एक्टोथर्मिक बाहर से एक्टोथर्मिक हाँ और अगर एंडो होगा मतलब अंदर अपने मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्शन करेंगे होमियोथर्मिक मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हमको खुद को हम लोग होमियोथर्मिक हैं और पोइक्लोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड एनिमल ओके ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स बोलो किसको बोला जाएगा ये ब्रांचेस इसीलिए मैं भेजी थी आप लोग को अराउंड 150 ब्रांचेस था और अच्छा अभी बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़े हैं आप लोगों के साथ सो मैं फिर से ये ब्रांच एंड फादर्स के नेम भेज दूंगी बच्चों फिर से आपको देखना एक बार बोलो अगर हम पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोला जाएगा उसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी बायो मॉनिटरिंग और बायो सिस्टमेटिक्स आंसर है बच्चों बायो इन्फॉर्मेटिक्स ओके मैम बायो इन्फॉर्मेटिक्स यस वेरी गुड बायो इन्फॉर्मेटिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज अ एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग बोलो ये आंसर मैम ऑप्शन मैम ऑप्शन ए हां आइसोलेटेड मैम क्वेश्चन मैम क्वेश्चन आता ठीक है देखा हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है which one of the following aspect is a exclusive characteristics of living thing living mass insert the percentage of isolated metabolic reactions मैम metabolic reactions occur in vitro माने vitro मतलब lab condition विट्रो का मतलब होता है ग्लास तो इसलिए हम जो लैब में करते हैं बच्चों उसको इन विट्रो बोला जाता है मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो करते हैं और इन विवो मतलब एनवायरमेंटल नेचुरल कंडीशन में तो ये उसका है सही वाला या फिर इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली अब क्या अंदर से ही हम बात नहीं प्रिपरेशन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी ओके सी देन नंबर 5 बोलो स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सिलेक्ट टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम अभी ये चारों पढ़ो और दो करेक्ट मुझे बताओ डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्विसेस वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर फोटोपीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय अर्नस्ट वाइटेके and in unicellular organism reproduction is synonymous with growth ma'am a or d correct okay dekho a and d is correct very good which taxonomical aid has collection of abhi humne padha hai jo
preserve plant and animal specimen for study and reference? Museum. Museum. प्लांट एंड एनिमल को लेके अगर दोनों को बोला जाएगा म्यूजियम. हर्बेरियम सिर्फ डेड प्लांट, बॉटनिकल गार्डन लिविंग प्लांट, बॉटनिकल लिविंग. और की जो है आप बोल सकते हो ये एक क्या बोल सकते हो एक डिवाइस की हिंट मिला आपको. हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम? कार्लोस लिनियस. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी राइट. स्पेसिस प्लांटरम लिखा था उन्होंने 1753 में. Which of the following are correctly matched with respect to the taxonomic classification? centipede, millipede, spider, scorpion. Answer is A. Housefly, butterfly, sissifly, silverfish. D one spider tall का बोलो जी. Hello. Next, which one of the following is a taxonomic aid for identification of plant and animal? Based on similarities and dissimilarities. Yes. की लेंगे ना. हाँ या ना बोलेंगे हम कॉपलेट में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. देन नंबर 10 बोलो. द लेबल ऑफ द हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेटा ऑफ कलर. हाइट ऑफ द प्लांट. सिंगल सेल यूकेरियोट्स. ओके सो आंसर इज योर प्रोटिस्टा. वेरी गुड. हायरार्किस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम. वो हायरार्किस्टिक होगा. ओके क्या क्या है देखो. A. In Animalia, the mode of nutrition is autotrophic. In Monera, the nuclear membrane is present. हार्कास्टिक मतलब आपका कौन सा किंगडम. जो किंगडम हम बोल रहे हैं कौन सा फीचर है जिसको हम फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फीचर ऑफ द किंगडम ऑफ द एबव स्टेटमेंट. मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है आप बोलो. देखे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है या मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट है. इन प्रोटिस्टा द सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक या इन प्लांट द सेल वॉल इज प्रेजेंट. कौन सा सही है इसमें से बोलो. मैं डी का कैरेक्टर पढ़ा है. डी मैम. डी 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 कौन सा दोनों करो क्या है. नहीं ये बोल रहा है ए एलोन इज करेक्ट या फिर बी एलोन इज करेक्ट. सी एलोन इज करेक्ट या डी एलोन इज करेक्ट. आंसर होगा डी एलोन इज करेक्ट. सेल वॉल डी करेक्ट है मैम. डी में बस सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन भी है प्लांट में दोनों. तो सेल वॉल के बारे में दिया है तो डी इज करेक्ट. ओके प्रोटिस्टा सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक गलत है. यूकैरियोटिक है प्रोटिस्टा. मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट लिखा गया है ये भी गलत है. मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और उसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. एनिमल द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक नहीं है. एनिमल में हेटरोट्रॉपिक है तो तीनों के तीनों गलत है. तो हायरार्किया हमने जितना भी पढ़ा किंगडम आपके डिफरेंट डिफरेंट किंगडम के बारे में उसके हिसाब से ये सारे में सिर्फ डी ही करेक्ट है. ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट. बायोलॉजिकल
biological name are generally Latin and D. The specific epithet start with a capital letter. Species हम एक capital letter से लिखते हैं नहीं? While the generic epithet start with small letter. गलत है. Then it can illustrate. बाकी सब correct है बच्चों, ये गलत है. जो गलत है उसको निकाला है हमें. वो गलत था. Incorrect दिया है ना आपको? मैं हाँ. देखो incorrect है ना. Correct सोच. हाँ question पढ़ना ठीक से. गलत कौन सा पूछा है और सही कौन सा पूछा है. अभी इसमें से करो. ज्वाइन करो. बॉटनिकल गार्डन में क्या लिविंग प्लांट्स रहते हैं? जूलॉजिकल पार्क में क्या रहता है? जूलॉजिकल पार्क में हम देखते हैं लिविंग वाइल्ड एनिमल्स. यस लिविंग वाइल्ड एनिमल्स. दो ऑप्शन हमने देखा है, ए का 3 बी का 4. आपने देखो ए का 3 बी का 4. तो बी एंड सी. सभी म्यूजियम क्या है बच्चों? प्लांट एंड एनिमल बोथ. टू प्लांट एंड एनिमल बोथ. ऑप्शन बी होगा. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. हां एक एक करके देखना हमने बोली थी. Then 15. Binomial nomenclature system of Linnaeus means that every organism has no option. दिख नहीं रहा है. Answer D होगा पहले. हाँ. One scientific name with generic and other with specific. Binomial मतलब दो. दो में क्या रहेगा? एक genus रहेगा. Specific epithet मतलब स्पेसिस नेम. जेनेरिक मतलब जीनस, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिस. ओके ठीक है बच्चों. देन आज के लिए इतना. ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये फाइल भी शेयर करूंगी और आपको नोट्स तो मिल गया है आज का. जाके फिर से करना है इसको. और अभी मुझे